घेरे पड़ा होगा। हम जाएंगे दरोगा जी के लफ्ज को सुनकर के चपरासी कह लेंगे, सरकार हम अकेले नहीं जाएंगे, राजकरण हमको मार देगा। दरोगा जी कहने लगे, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दरोगा जी 900 को साथ में लेकर के उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर रजुआ के हाथ में घोड़ा दिया था। जाकर के देखा वहां पर कोई नहीं, उस समय पर राजचरण एक चिट्ठी लिख करके डाल गया था। दरोगा जी ने टॉर्च लगा करके देखा, चिट्ठी पड़ी हुई। दरोगा जी लेकर के हाथ में पढ़ने लगे तो क्या लिखा हुआ है, अरे दरोगा मेरो राधा रे चरने देखो नाम, अरे नाम मेरा राधा रे चराना है नाम, अरे नाम मेरा राधा रे चराना है नाम, अरे राधा रे चरण खैरवा रे को रे, अरे कोई ढाके में हो तेरे मुकाम, मौसम कोई ढाके में हो तुम काम, मौसम कोई ढाके में हो तुम काम, अरे शास्त्री नगर रहने वाले शंकर लाल जी भैया ये तो मुले करो मेरे सरनाम, सरनाम बता काम हमारे सरनाम, सरनाम मोला कान में यही सारनामा, अरे कैसे द्वारा ब्रज कैसे द्वारा बुलाए रे अब गावे रे, अरे प्यारे लाल को ढोल कही को भैया काम, अरे काम भैया ढोला काही को काम, अरे काम भैया ढोला काही को काम। दुर्गा जी ने जिस वक्त राजचरण के नाम को पढ़ा, चपरासी वो रदुआ नहीं था और वो तो राजचरण था, मेरे घोड़े को ले गया। चपरासी के ले गए, सरकार जब जिंदे पर तुमसे घोड़ा ले गया छल कपट से आज छोड़ेगा नहीं, हम तो अब तुम्हारा साथ देंगे नहीं। एक एक करके चपरासी जो है इधर उधर को भाग जाते हैं, दरोगा जी अकेले रह गए। विचार करते हैं इस नौशे को पकड़ करके मैं ले गया, राजचरण कहीं रास्ते में पड़ा होगा और मुझे मार देगा। नौशे के हाथ में से हथकड़ी खोल दी, भैया तू अपनी बरात के लिए जा। इतने लफ्ज सुन करके नौशे कह लेगा, दरोगा जी अरे मोए काए को छोड़ो थानेदार, भमरिया पड़ी जाएगी मेरी थाने में, बाबा मोए काए को छोड़ो थानेदार, भमरिया मेरी पड़ जाए थाने में, अरे मेरी किस्मत निकली रे बाबा, मेरी किस्मत निकली है प्यारे होए ना दरोगा बेटी, अरे प्यारे होए ना दरोगा कोई बेटी, अरे यहाँ तेले चल थाने दाल भमरिया पड़ी जाएगी मेरी थाने में, अरे अब मोए काए तू छोड़े थाने दार, भमरिया मेरी पड़ जाए थाने में, बन गए कामा, आवे ढाके बारो मेरो मामा, आवे ढाके बारो मेरो मामा, अरे भामरी लावे गो हमारी डाल, भामरिया मेरी पर जाए थाने में, अब मोए काड तू छोड़े थाने दार, भमरिया मेरी पर जाए थाने में, अब तो नशे के लफ्ज को सुनकर के दरोगा जी कहने लगे, तुझे इससे क्या मतलब, तू जा अपनी बरात के लिए अपना विवाह कर। नौशे बरात के लिए चल देता है, इधर जितने भर बराती थे सबने गोल बिस्तर कर रखे थे,
भैया बिना दूल्हा के बारात कैसी? सब चले के लिए तैयार थे, तब तक नौ से पहुंच जाता है कि भैया ये बिस्तर कैसे गोल कर लिए? भैया बिना दूल्हा की बारात कैसी? फिर से बिस्तर लगवा दिए, जन्माशा लगवाया। इधर दरोगा जी विचार करते हैं, चपरासी सब भागे, मैं अकेला हूं। मैं अगर थाने के लिए जाता हूं, राज थाने की रास्ता को घेरे पड़ा होगा, मुझे मार देगा। मुझे यहां से अब चलना ठीक नहीं। मुखिया जी के यहां पहुंचे, मुखिया जी हमको यहां पर एक रात रुकना है। मुखिया जी कहने लगे, बिल्कुल नहीं, मैंने सब कुछ सुन रखा है, तुमसे रात घोड़ा छील करके भाग गया, क्या यहां मेरे बच्चों को मरवाने के लिए आए? चलो यहां से भागो। दरोगा जी कहने लगे, अब यहां काम नहीं बनेगा, बात चल देते हैं। चौकीदार जी के दरवाजे पर पहुंच गए। चौकीदार जी, आज हमको एक रात यहां पर काटनी। चौकीदार जी कहने लगे, सरकार ठहरी, मैं तुम्हारे बिछाने के लिए घर से कोई कपड़ा लेकर के आता हूं। चौकीदार जी घर जाकर के पहुंचे। चौकीदार ने से कहा, आज हमारे दरवाजे पर दरोगा जी रुकेंगे। चौकीदार कहने लगी, कौन? दरोगा जी। चौकीदार भागी चली आई सामने दरोगा जी के, कहिए यहां कैसे रुकने के लिए आए हो? रात पर घोड़ा छिड़वा करके क्या यहां आकर के मेरे बच्चों को मरवाओगे? चला भागो यहां से। दरोगा जी कहने लगे, अब यहां भी रुकने का ठीक नहीं लगेगा, विचार करते हैं। मेरा थाना पश्चिम की दिशा में है, मुझे पूर्व की दिशा को चलना चाहिए। कोई गांव आगे चल करके मिल जाएगा, वहां पर जाकर के रुकूंगा। पश्चिम की दिशा को राहचंद घेरे पड़ा होगा। दरोगा जी पूर्व की दिशा को चल देते हैं। अरे पूर्व की दिशा कूरे भैया बोरे दरोगा जाई रे। अरे रे दरोगा जाई रे, अब बोला है दरोगा जाई रे। रे दरोगा रे जाई, अरे झुकरी रात अंधारी रे, हाथे हाथ रखतो हतो नाई रे। अरे हाथे रखतो तो नाई, अरे हाथे हाथ रखतो हतो नाई रे। अरे हाथ रखतो हतो नाई, इत घोड़ा पे अब चढ़वे की बारी रे, राधा चरण की आई रे। राधा चरण की आई रे बारी, अब राधा चरण की आई रे। रे वाना हर की रे आई, अब तुर पूरब पूरे ठोकर, अब जाने घोड़ा में लगाई रे। अरे घोड़ा में लगाई रे, ठोकर घोड़ा में लगाई रे। अब घोड़ा में लगाई, सरल करके रे चलो बचेरा रे, नाहर कर रे ओए लखाई रे। अरे पर गया लखाई रे, नाहर पर गया है लखाई रे। रे कर रे ओए लखाई, जा रस्ता पे रे जा तू दरोगा रे, नाहर भाई जगे गयो आई रे। अरे भाई जगे गयो आई रे, नाहर भाई जगे गयो आई रे। अरे देखेंगे दरोगा रे, अपनो घोड़ा ले ओए रुकवाई रे। अरे घोड़ा रे रुकवाई रे, अपनो घोड़ा रे रुकवाई रे। आवाज लगाई दरोगा जी को देख करके, आवाज लगाता है, कौन है बेगवार? दरोगा जी कहने लगे, मैं हूं थानेदार। आप तो दरोगा जी देख रहे सरकार, आप कौन है? मैं राज। आप तो दरोगा जी थर थर कांपने लगे, भगवान मुझे नहीं मालूम थी कि राज इस रास्ते पर पड़ा है, नहीं तो मैं अपने थाने के लिए चला जाता। आप तो दरोगा जी हाथ जोड़ते आवाज लगाते, राजन मैं कसम खा करके भगवान की कहता हूं, मैं आज ही तुझे पकड़ने के लिए आया था, आज मुझे माफ कर दे, मैं आईंदा तुझे कभी पकड़ने के लिए नहीं आऊंगा। राजन कहने लगा, दरोगा जी मैं भी कसम खा करके कहता हूं भगवान की, मैं आज ही तुमको मारूंगा, फिर कभी नहीं मारूंगा, कर दो ऊपर को हार। अब राजन क्या करता है?
रे करतार मन में सुमिरे रे तेरी रे करतार करतार मन में सुमिरे अरे तेरी करतार करतार मन में सुमिरे अरे तेरी करतार अरे डाहिनी कोरे जब मत कोय होड़कारे और गोली सीना में निकल गई पल्ली पारे अरे पारे गोली सीना में निकल गई पल्ली पारे अरे पारे गोली सीना में निकल गई पल्ली पारे अरे सरदारो जी आने को दरोगा मेरी मर गयो रे नागवा तेरे रयो है अब जाए सरदारो जी आने को दरोगा मेरी दरोगा जी को मार करके राज वहीं पर घोड़े को छोड़ करके पैदल पैदल अकेला चला आता है। लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंच गया, जाकर के कह दिया, कहो क्या हो रहा है? लड़की वाला कहने लगा, सरकार हमने तो तुम्हारे इंतजार में अभी तक कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं कराया तो जल्दी करिए। सरकार अभी दरवाजा करवाते हैं। नहीं, अब दरवाजा बिल्कुल नहीं होगा। लड़के को बुलाओ और भावर पर नहीं दो। और निरातन के कहने से लड़के को बुलाया। मंडप के नीचे पंडित विद्याधारी व्यासकरण जोशी आकर के बैठ जाते हैं और वेदों का उच्चारण करते हैं। इस कहे पे अरे चाहो भैया एन बात ने कोई चाहो अरे चाहो भैया एन बात ने कहे चाहो अरे चाहो भैया एन बात ने कहे चाहो अरे वेद विदिते अब राधा चरण ने और कर ले अब भाने जे कोरे ब्याह अरे ब्याह कर ले अरे जाओ कर ब्याह करके राजचरण ने ड्राइवर को बुलाया, कार मंगवाई, अपने यार को साथ में लेकर के कार में बैठ जाता है और लड़की वाले से कहने लगा, राधा चरण ने गिराओ चारी चरण गिराओ चारी राधा चरण गिराओ चारी अरे अब सुन लियो बात हमारी अब सुन लियो बात हमारी अब सुन लियो बात हमारी साथ मान ले बात बरात रोकने को काम नहीं है हो रही कर लिया विदाई रे जो कुछ लिखा किस्मत का होगा मेरे हाथ से मरो है दरोगा सुन ले हो ध्यान लगाए बरात विदा जल्दी करी करियागी मत कोई और के सब बने राजन अपनी कार को बढ़ा लेगा। लड़की वाले ने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, सरकार कुछ खाना तो खाते जाओ। नहीं, खाना खाने की फुर्सत नहीं, अगर खाना ही खिलाना है को थोड़ा सा खाना हमारी मोटर में भिजवा दिया जाए। लड़की वाले ने खुश होकर के एक छबरिया में पूरी रखवा करके कार में भिजवा दी। राजन कार को बढ़वा देता है। अरे आ गया लेके लड़की वाले ते कार अब से रबर की जाई रे अरे से रबर की जाई कार अब से रबर की जाई तेरे से रबर की रे जाई आरो जा पर परो दरोगा काल अब राधा चरण की तो आई रे अरे राधा चरण की आई कार अब राधा चरण की आई रे तेरे राधा चरण की रे आई और काल के अब पीछे सज्जन दरोगा ले ओ मन है भाई रे दरोगा ले बंदा भाई सज्जन दरोगा ले बंदा भाई रे तेरे दरोगा ले ओ बंदा भाई एक
का बड़ी सी लहर में लाश अब दुश्मन की गिराई रे। अरे दुश्मन की गिराई वाद ना दरोगा की गिराई रे। तेरे दुश्मन की गिराई और फिर कैसे के द्वारा भैया हम ढोला रहे सुनाई रे। अरे ढोला रहे सुनाई रे भैया हम ढोला रहे सुनाई रे। अरे गुरु मेरे बलराम गुरु ने नई नई तरज चलाई रे। अरे नई नई तरज चलाई रे गुरु ने नई नई तरज चलाई रे। राजन दुर्गा जी की लाश को बांध करके पीछे मोटर कार के बड़ी सी नहर में जाकर के डाल देता है। धीरे धीरे कार चलती हुई जाकर के ढाके पर पहुंच जाती है। सज्जनों राजचंद ने जेब से निकाल करके 100 रुपए ड्राइवर को किराया दे दिया और ड्राइवर को विदा कर दिया। इधर लड़की वाले अरे काशिव सुतने किरण पसारी। काशिव सुतने किरण पसारी। काशिव सुतने किरण पसारी। लड़की वाले ने करी तैयारी। लड़की वाले ने करी तैयारी। लड़की वाले ने करी तैयारी। साच माने ले बात भोर हो लड़की वाले भैया कर दिए बिदाए बारा। जब चले की अब करिए तैयारी। करिए तैयारी जुब जुबली अब मेरी सरदारी। राम राम भैया ले ओ हमारी दिल की भाजी गई थे खत्म भयो राधा बोलो ये की। जाकर के डाके में रहने लगा। धीरे धीरे राजन को फागुन का महीना आ जाता है। अब राजन अपने हाथ से चिट्ठी लिखता है। दरोगा जी मैं खैर में आऊंगा आकर के होली पे बाल फूलूंगा और एक खून करके जाऊंगा। राजन चिट्ठी पे दस्तखत कर देता है अपने यार चुना के हाथ में देता है। जाओ खैर की दरोगा जी को जाकर के देना। अरे अब चिट्ठी लेके भाई अब चिट्ठी लेके चुना यार रे हो जाए। अरे अब चिट्ठी लेके चुना यार रे हो जाए। अरे अब चिट्ठी लेके चुना यार गाए। भैया मंजिल ते करके वो जो फेर मेरे जाए। अरे मंजिल करके पाछा खैर में चुना जाए। अरे अब मंजिल करके पाछा खैर में चुना जाए। अब यार राजा चरण का खैर में जाकर के पहुंच जाता है। विचार करता है। राजा चरण ने कह दिया कि चिट्ठी जाकर के दरोगा जी को देना। अगर मैंने जाकर के दरोगा जी को चिट्ठी दी दरोगा जी फौरन पहचानेंगे ये राजन का साथी है मुझे पकड़ ले। अब किस तरह से दरोगा जी के हाथ ये चिट्ठी कैसे पड़े तो क्या करता है चुन्ना। अरे सोच समझ के रे अब चुल्ला ने मन में ली लिए अकले उपाय। अरे ली लिए अकले उपाय भाई मन में ली लिए अकले उपाय। अरे पहुंच गए ओए अब थाले पे चितो तो चक्कर रहे ओए लगाए। चिट्ठी रे लेके फेरे नाहर ने दरवाजे पे दइए चुपटाए। अरे चिट्ठी लेके रे फेरे नाहर ने दरवाजे से दही रे चुपकाए। चिट्ठी लेके फेरे नाहर ने दरवाजे से दही रे चुपकाए।
अरे चिट्ठी रे छोड़ दई है रे बाप, भैया पढ़े आगे कूद जाए, बाहर तू अमल करो दरोगा, जाकी चिट्ठी नजर पड़ जाए। अरे जाकी चिट्ठी नजर पड़ जाए भाई, जाकी चिट्ठी नजर पड़ जाए। अरे हाल पढ़ो रे अब चिट्ठी को, तू समन गयो सना को रे खाए, नीचे को रे दम नीचे रे रह गयो, ऊपर ले गयो राम उठाए। अरे नीचे को रे दम नीचे रे गोरे, ऊपर ले गयो राम उठाए, नीचे को रे दम नीचे रे रह गयो, ऊपर ले गयो राम रे उठाए। दरोगा जी थाने से निकल करके बाहर आते हैं, देखा दरवाजे पर चिट्ठी चुपटी हुई थी, हाल पड़ा चिट्ठी का, दस कट्टे खिराचर के नीचे लिखा हुआ था, दरोगा जी खैर मैं आऊंगा, आकर के होली पे बाल फूलूंगा, एक खूर करके जाऊंगा। अब तो दरोगा जी थप्पड़ कांपने लगे, राजन की दुश्मनी बस मुझसे है और मुझे ही मारेगा। दरोगा जी जाकर के तहसील में पहुंच जाते हैं, तहसीलदार जी को हाल सुना दिया, तहसीलदार जी घबराने लगे, दरोगा जी राजन मुझे मारेगा। दरोगा जी कहते हैं मुझे मारेगा, तहसीलदार जी कहते हैं मुझे मारेगा, अब क्या करना चाहिए। दरोगा जी तहसीलदार जी जिला अलीगढ़ के लिए कलेक्टर साहब के पास के लिए चल देते हैं। इधर राजन का यार सुनना विचार करता है, मेरे यार का यार धोड़े का रहने वाला रतन सिंह किसी समय पर पकड़ा गया था, वो छूट करके अपने घर आ गया, उससे मिलता चल। यार राजन का चुना यार रतन सिंह से मिलने के लिए जाता है धोड़े के लिए। इधर धोड़े में रतन सिंह विचार करता है, मैं पकड़ा गया जेल में रहा, मेरी सीट खुल गई, जब गांव में कोई चोरी या डकैती होगी पुलिस पहले मुझे आकर के पकड़ेगी, इससे दरोगा जी से जाकर के मैं सलाह ले, अगर मेरा नाम इसमें से कट जाए तो अच्छा है। रतन सिंह गोड़ा के थाने में जाकर के पहुंच जाता है, हाथ जोड़ करके दरोगा जी से कहने लगा, दरोगा जी जो मेरी सीट खुल गई है किसी तरीके से मेरा नाम कर सकता है। दरोगा जी कहने लगे हाँ कर सकता है। कैसे? रतन सिंह किसी तरीका से राजन को पकड़वा दो, तुम्हारा नाम निकलवा दिया जाएगा। रतन सिंह छाती ठोक करके कहने लगा राजन को मैं पकड़वाऊंगा, क्यों मेरा यार है। वायदा करता है उसी समय पर राजन का यार चुनना थाने के पीछे जंगला में होकर के देख रहा था। रतन सिंह वायदा कर रहा है दरोगा जी से मैं राजन को पकड़वाऊंगा। रजिस्टर खोल करके दरोगा जी ने सामने रख दिया, अगर तुम पकड़वाओगे करिए दस्तखत। रतन सिंह दस्तखत कर देता है। इधर तहसीलदार जी दरोगा जी अलीगढ़ जाकर के कलेक्टर साहब से कह दिया, सरकार हमारे लिए 3 दिन की छुट्टी दे दी जाए, क्यों कल का त्योहार है होली का। अब दरोगा जी के लफ्ज को सुनकर के कहने लगे, भाई टाइम तो नहीं था मगर हम तुम्हारे लिए छुट्टी देंगे। तब तक तहसीलदार जी कहेंगे, सरकार मेरे लिए भी, क्यों तुम दोनों नहीं जा सकते हो, एक ही जा सकते हो छुट्टी पर। तहसीलदार जी कहेंगे, सरकार राजन हमारे यहां डकैत हो गया है, वो वारंटी है, उसकी चिट्ठी आई है, होली पर बाल भूजेगा और एक खून करके जाएगा, इस वजह से हम छुट्टी चाहते हैं। अब तो कलेक्टर साहब कहने लगे, अब ये बात है तो किसी के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, 3 ट्रक पुलिस के भर के खैर के लिए भेज देते हैं, जाओ होली को जलाओ अच्छी तरह से और राजन आए तो उसे पकड़ करके आओ। दिन के 12 बजे पर खैर में पुलिस जो है चारों तरफ नंगर के फिर जाती है और कहते हैं जलाओ होली को। अरे दिन के 12 बजे पे, आए दिन के 12 बजे पे होली जलाई, होली जलाई है रे, होली जलाई है, अरे दिन बार बजे पे होली जलाई है। दिन के 12 बजे पर होली में आग लगवा दी,
पुलिस घूम रही है, देखे किधर से राजकरण आएगा और कैसे बाल भूजेगा और कैसे खून करेगा। सारे गांव में चक्कर लगाते हैं और कहते चलिए बाल भूज कर के लाओ होली पर। दरोगा, अरे शहर में गश्त लगावे, अरे कोई न बाले भूजीवे आवे, हाय कोई न बाले भूजीवे आवे, अरे दहशत से रबर की सबके समाई होली जलाई है, होली जलाई है, अरे दिन बाहर बजे थे होली जलाई। दरोगा जी घर घर जाकर के आवाज लगाते हैं चलिए बात सुनने के लिए, मगर कोई भी घर से नहीं निकलता है। क्यों? अरे मत कबूलाए मानेगो, अरे आवत आवत खून करेगो, हाय आवत आवत खून करेगो, अरे मौत जाने किसके सर पे, मौत जाने किसके सर पे आए मरराई है। अब तो होली जो है जल करके रात हो जाती, मगर कोई भी बाल भूलने के लिए नहीं जाता। होली जल गई, पुलिस जो है अलीगढ़ के लिए लौट और दुर्गा जी से कह दिया लो राजन आया तो नहीं, अगर आज आ जाता उसे पकड़ करके ले जाते। सज्जनों मगर राजचंद को मालूम नहीं था कि दिन में 12 बजे पर होली जलाई जाएगी, उसे यही पता था होली जलेगी तो रात को 4 बजे पर। इधर दिन छिप जाता है, राजचंद अरे तो नाली बंदूक हाथ में ले पिस्तौल उठाई और ठाके से चले दया कुमर को ब्राह्मणे को अरे ब्राह्मण को आताई रे भाई, ब्राह्मण को आताई ठाके से चले डरे बादना ब्राह्मण को आताई अरे से करके मन जल कूते रहो अरे खैर मेरे आई राधाचर के पिता सजनो रे रुधन मचाई अरे रे रुधन मचाई रे भाई रे रुधन मचाई राधा चरण के पिता सजनो रे रुधन मचाई। राजन के पिताजी उस समय पर रो रहे थे, राजन ने जाकर के अपने पिता के चरणों में सिर झुकाया, पूछने लगा पिताजी आप बाहर पड़े हैं, घर से ताला कैसे लगा हुआ है? बेटा तेरा साला शंकर आया था, वह अपनी बहन को लेवा गया, तेरी बहू सरवती को ले गया, सरवती अपने पीहर को चली गई, मैं यहां अकेला। तो पिताजी कोई बात नहीं, यह बताओ तुम रो क्या रहे हो? राधा चरण मैंने आज तक तुझसे ऐसी बात कभी नहीं कही, मगर आज कहता तो सापुत होते ही मर जाना ठीक था। पिताजी मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो ऐसे शब्द मुझसे कह रहे हो? बेटे साल भर का त्योहार, तू बाल भूलने के लिए आया है और चिट्ठी में लिखता है एक खून करके जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर तू मेरा पुत्र है, अगर ब्राह्मण का पुत्र है, ऐसा मत करना। राजन अपने पिता की बात को मान करके पिताजी मैंने प्रतिज्ञा की है वो पूरी की है, मगर आज तुमने मेरी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया। ठीक है मैं आपके कहने से खैर में खून नहीं करता। इतनी कहकर के पिता से चल देता है, विचार करता है
मेरा यार ढोड़े का रतन सिंह आ गया। सज्जनों इधर रात चढ़ जाता है, उसका यार चुन्ना ने पहले ही बता दिया था कि रतन सिंह ने तुझे पकड़वाने के लिए गोड़ा के थानेदार से मुखबरी खाई है, वो तुझे पकड़वाने के लिए टूलता है। राजचंद देखता है, जाकर के देखूं रतन सिंह से मिलूं, ये बात ठीक है या गलत है। बेपत्ती बांध रही अंटा रात